मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना के अंतर्गत संचालित ट्रक चालकों से 2000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां सागर जिले के सागर भैंसा बेयर हाउस के कर्मचारी ऑपरेटर अरविंद जायसवाल के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। ट्रक संचालक अनूप कुमार पिता सीताराम विश्वकर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अरविंद जायसवाल जो भैंसा बेयर हाउस में ऑपरेटर हैं, के द्वारा कहा गया कि आप हमें 2000 रुपए दोगे तभी आपकी लोडिंग स्लिप बनाएंगे और जब ही आपकी गाड़ी यहां से लोड होकर जाएगी। मामले में ट्रक चालक अनूप पिता सीताराम विश्वकर्मा के द्वारा जिला कलेक्टर को दिए गए आवेदन में बताया गया कि बेयर हाउस में पदस्थ ऑपरेटर अरविंद जायसवाल का कहना है कि हर सप्ताह हमें 2000 रुपए दोगे तो आपकी हमारे यहां से गाड़ी भरी जाएगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी के द्वारा हर बार रिश्वत की मांग की जा रही है। ऐसे कर्मचारी को भैंसा गोदाम से हटाया जाए और कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि हम सभी परिवहनकर्ता बिना किसी दबाव के आसानी से कार्य कर सकें। बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हर गरीब तक निःशुल्क अन्न भेजा जाएगा, इसके लिए शासन योजना चलाकर गरीबों को राशन भले ही भेज रही हो, लेकिन दूसरी ओर इस प्रकार की रिश्वतखोरी के मामले सामने आते ही सवाल खड़े होना लाजमी है। अगर ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कैसे हर गरीब तक अनाज पहुंचेगा, यह सोचने वाली बात है। बहरहाल इस मामले की हकीकत क्या है यह तो जांच का विषय है। फिलहाल मामला कलेक्टर के दरबार में है, आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बताओ पैसा काहे के चाहे कुमार विश्वकर्मा ग्राम जलंधर विकास खंड राहतगढ़ जिला सागर। तो आप मतलब क्या करत हो और कौन सी योजना के अंतर्गत काम कर रहे हो? मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना के अंतर्गत वाहन मिला है तो वो हम उचित मूल्य दुकान तक राशन पहुंचाते हैं। तो क्या समस्या जा रही है आपको? हमसे भैंसा गोदाम में अरविंद जायसवाल ऑपरेटर है जो जी, उससे रेगुलर हर माह रिश्वत मांगते हैं 2000 रुपये। तो काहे की रिश्वत मांगते नहीं देंगे तो वो बोलते हैं हम गाड़ी लोड नहीं कराएंगे। ऐसा हमारे साथ कल 2 तारीख को हुआ है। तो हमारी वो उन्होंने गाड़ी से भरने से मना कर दिया, फिर हमने वहीं पे कुरी जी को बताया केंद्र प्रभारी जी, तो उनकी बात भी नहीं मानी उसने। वो बोलने लगा कि हम तो लेंगे आप कहीं भी दो, आज नहीं तो हम कल लेंगे लेकिन पैसे लेंगे। फिर हमने डीएम साहब की भी शिकायत की है तो डीएम साहब से अब यही चाहते हैं ऐसे रिश्वतखोर कर्मचारी को हटाया जाए। सागर कलेक्टर को आपने ज्ञापन दिया है तो उनके द्वारा कोई आश्वासन मिला आपको? अभी नहीं मिला, अभी कल दिया है। कल ही दिया है, ठीक। हम यही चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना चलाई जा रही है तो इससे वजह इस तरह से अगर ये 2000 मांगे तो हम सरकारी वो तक राशन मतलब उचित मूल्य दुकान तक राशन कैसे पहुँचाएंगे ऐसे? तो क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।